जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो रात के 8 बज चुके हैं और आ चुका हूँ आपके बीच आज की बायोलॉजी की क्लास को लेकर। तो आज बोल रहे होगे कि भाई लाइव क्लास तो लाइव ही नहीं है, प्रीमियर चला रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं कि रात के 8 बजे आ चुका हूँ लाइव लेकर। तो हाँ, नहीं हूँ, आज प्रीमियर ही चला रहा हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ मैं इस टाइम। मैं जहाँ पे क्लासेस शूट करता हूँ वहाँ पर होने की वजह से, वहाँ पे नहीं होने की वजह से, आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से आज की जो क्लास है वो अभी हमारा लाइव नहीं आ रहा है। सॉरी, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि आज की क्लास में बायोलॉजी की लाइव लेकर नहीं आ सका। मैं भी आपके साथ जुड़ता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लाइव क्लास लेना, मुझे भी अच्छी लगती है। बताओ, आज बोरिंग जैसा एक एक क्वेश्चन लिखूंगा मैं और जो हूँ उसका सॉल्यूशन देता जाऊंगा थोड़ा थोड़ा टाइम देकर, तो सोचो मुझे भी बोरिंग लगेगी। लेकिन जब लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ता हूँ तो मुझे भी अच्छी लगती है, आंसर्स आते हैं, उनके जवाब देता हूँ, उधर से आते हैं, अच्छा लगता है जब कोऑर्डिनेट होते हैं हम सब। इंडिया के हर किसी न किसी राज्य से हम सब जुड़े हुए होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, क्लास तो आज की लेनी पड़ेगी क्योंकि देखो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था मैं, तो सोचा कि कम से कम क्लास आज की ले लेता हूँ बायोलॉजी की, नहीं तो सभी हो गई, बायोलॉजी मिस हो जाएगी, तो ऐसा होना अच्छा नहीं रहता। इसलिए सोचा कि चलो क्लास बायोलॉजी का किसी और का ही, तो बायोलॉजी का तो शूट कर ही लूँ। तो अब देखो, जो हमारी आज बायोलॉजी की क्लास आ रही है ये आपका स्पेशली, आप सभी जान रहे हो कि हम लोग अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, पार्ट 4 आज है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं बायोलॉजी में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में शामिल है, और उसके साथ साथ जो उन्हीं क्वेश्चंस पे एक्सपेक्टेड है उन क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हुआ होता हूं, ठीक है। जैसे मैं देखो, कल एक व्यूअर का कमेंट आया, उन्होंने लिखा कि सर आप, हमारा एग्जाम है 23 या 24 फरवरी को, उन्होंने डेट दिया था कि इतने डेट को मेरा एग्जाम है नर्सिंग असिस्टेंट का, तो आप प्लीज प्लांटरी किंगडम एंड एनिमल किंगडम को कंप्लीट करिए, मतलब कि जो उनका कहना है पादप विज्ञान एवं जंतु विज्ञान को क्लियर कर दीजिए। तो वही चल रहा है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान को ही क्लियर कर रहे हैं अभी, जो है पादप विज्ञान चल रहा है। जो भी आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अब जो हम सब लाए हैं पार्ट 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से अभी क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 से प्लांटरी किंगडम ही चालू हुई है, पादप विज्ञान ही चालू हुआ है, उसके बाद जंतु विज्ञान शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, और उसके बाद जो है मनुष्य विज्ञान, ठीक है, ह्यूमन साइंस शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब है कि वही चल रहा है, पहले पादप विज्ञान से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से, प्लांटरी किंगडम से रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो उन्हीं बेस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम पे, एनिमल साइंस जंतु विज्ञान पे जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको साथ में क्लियर करते चलेंगे, और उसी प्रकार जो है ह्यूमन साइंस ह्यूमन किंगडम पे भी क्लियर करेंगे। मतलब कि सारी चीजें क्लियर करवाने वाला हूं, जो आए हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड है सभी चीजें करवाऊंगा। अब देखो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जितना हो सके उतने ज्यादा शेयर करें और भी फ्रेंड्स को जरूर जुड़े। और एक बात बोलूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बुक्स की लिंक्स दे रखी हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की डिमांड पर दोनों अवेलेबल है, बुक करवा दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक्स की लिंक्स दे रखे हैं, जाकर वहां से खरीद सकते हो, और खरीद के एक बार अपने इंडियन आर्मी के रिटेन टेस्ट में जाने से पहले उन बुक्स को जरूर पढ़ लेना। खास करके उनको बोलूंगा जिनका एग्जाम बहुत नजदीक है, जिनका एग्जाम अप्रैल मार्च या फरवरी, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में होने वाला है, वो खास करके उन बुक्स को जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उन बुक्स को खरीदो, और उनको खरीद के एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट के लिए, बेस्ट रिव्यूड बुक्स हैं, उन्हीं बुक्स को लेकर शामिल किया है मैंने, उन्हीं बुक्स को चुना है, तो एक बार उन बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखो, यदि बोल रहे होगे कि सर लाइव क्लास में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मैं अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, भले ही मैं लाइव क्लास में अवेलेबल नहीं हूँ पर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे चैट के थ्रू कोऑर्डिनेट करूंगा। जो चैट वाला ऑप्शन होता है जिसमें हम सब लाइव चैट किया करते हैं, लाइव चैट के थ्रू जो आप मुझे बोलते थे, बिल्कुल उसी में मैं आज आपके साथ वीडियो के थ्रू तो नहीं जुड़ूंगा, क्लास के थ्रू तो नहीं जुड़ रहा हूँ क्योंकि क्लास पहले ही शूट कर रहा हूँ मैं, पहले तो उस टाइम तो नहीं जुड़ूंगा, लेकिन जो है चैट के माध्यम से, चैट के थ्रू मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। तो जो भी क्वेश्चंस दूँ उनके आंसर्स पहले आप भेजना, मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद ही जो है मैं बोर्ड पर क्वेश्चंस बनाऊंगा, और उसी टाइम लाइव जब ये प्रीमियर हो रहा है रात 8 बजे तो मैं आपसे जुड़ चुका रहूंगा, मैं आपके लाइव चैट में, आप देखोगे कि मेरे द्वारा भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, मैं आपसे लाइव चैट के थ्रू जुड़ा हुआ रहूंगा रात 8 बजे। और एक चीज़ की कल जो है, कल हमारी क्लासेज नहीं आ रही हैं, मैं हूँ नहीं घर पे, मैं आज शाम को ही 5 बजे के करीब ही जो है मैं घर से निकल चुका हूँ, तो आज जो आज केमिस्ट्री की क्लास भी नहीं आई है हमारी, आज जो है केमिस्ट्री की क्लास भी मैं नहीं लेकर आया हुआ हूँ, उसका कारण है मैं डिसअपीयर हो गया केमिस्ट्री का क्लास लेने से, मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री की क्लास में व्यूअरशिप उतनी नहीं थी, देख रहा था मैं, उसके लिए उतना क्रेज नहीं जा रहा केमिस्ट्री के लिए, पर बायोलॉजी वालों का इंपॉर्टेंट था क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट के टोटल 15 क्वेश्चन इससे होने वाले हैं, मानता हूँ केमिस्ट्री भी 15 क्वेश्चन से नहीं कर पाया, कोशिश मैंने की कि केमिस्ट्री की क्लासेस शूट कर दूं पर नहीं अवेलेबल हो पाया मैं आज, जो है उसमें सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज देखनी थी पर मैं अवेलेबल नहीं हो पाया आज शाम को 5:30 में, इसलिए मैं जो आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पर किसी दिन आऊंगा जब वापस तो क्लियर कर दूंगा। अब देखो, अभी जो मैं अवेलेबल नहीं हूं, जहां पे क्लास लेता हूं वहां पे
अवेलेबल नहीं हूँ, मैं शाम 5 बजे ही निकल चुका हूँगा, मैं 5 बजे निकल जाऊँगा। तो जो मैं हूँ आपसे लाइव चैट के थ्रू जुड़ा रहूँगा, तो आंसर जरूर भेजना, अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उनके आंसर जरूर सेंड करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, लाइव चैट में जरूर बताइएगा, और मैं लाइव चैट के थ्रू ही आपसे जुड़ा हुआ भी रहूँगा। तो चलो, कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया हुआ था उसका राइट आंसर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तों का रंग हरा होता है। तो चलो ये हो गया, अब जो है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है आपका कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम निम्न में से किसका संघटक धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम निम्न में से किसका संघटक धातु है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जो है वो निम्न में से किसका संघटक धातु है। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का संघटक धातु है, या फिर ऑप्शन नंबर बी डीएनए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आपको क्या, तो डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका राइबोसोम। इसमें बताना है कि जो आपका मैग्नीशियम है वो किसका संघटक धातु है, तो बताने की कोशिश करो, टाइम दे रहा हूं, लाइव चैट के थ्रू मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। मैग्नीशियम निम्न में से किसका संघटक धातु है, क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम। इसका जो है आंसर आपको बताना है कि जो मैग्नीशियम है वो निम्न में से किसका संघटक धातु है, क्लोरोफिल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर राइबोसोम का। इसका आंसर बताने की कोशिश करो कि जो मैग्नीशियम है वो निम्न में से किसका संघटक धातु है, क्लोरोफिल का, डीएनए का, माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर राइबोसोम का। जो आपका मैग्नीशियम है वो निम्न में से किसका संघटक धातु है, क्लोरोफिल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। यहाँ पे जो है आपको आंसर सेंड करना है मेरे को कि क्या है इसका राइट आंसर, बताने की कोशिश करो, और कोई बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है, बताने की कोशिश करो कि मैग्नीशियम जो है वो निम्न में से किसका संघटक धातु है। तो देखो, जो मैग्नीशियम है वो संघटक धातु है क्लोरोफिल का। ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो किसका संघटक धातु है, तो जो मैग्नीशियम है वो संघटक धातु है क्लोरोफिल का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 जो दिया गया है वो दिया हुआ है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, अब देखो जो आपका, इसको मैं चेंज करके दे रहा हूं, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। इसका जो आंसर हमें बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी के मतलब पोटेशियम, और पी से हो गया फास्फोरस, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है पी। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। देखो तत्व पूछा हुआ है, अब तत्व धातु भी होता है, अधातु भी होता है, लवण भी होता है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। जिन्होंने अभी क्लास ध्यान से की होगी ना उसको इसका आंसर पता होगा, जिन्होंने आज की क्लास ध्यान से की है ना उसको इसका आंसर पता है, बस केवल मैंने चेंज किया है मेथड लिखने का, इसका आंसर उनको पता है। ठीक है, बताने की कोशिश करो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, ये यहाँ पे आपको बतानी है, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको बतानी है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है। ठीक है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए
कौन सा तत्व सहायक होता है? बताइए कि कौन सा तत्व जो है सहायक होता है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखो, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है, यहीं पे बताया था ना, इसलिए तो बोला कि इन्होंने आज की क्लास ध्यान से क्यों ली, उनको इनका आंसर पता है। कैसे? देख लो, मैग्नीशियम निम्न में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है संघटक धातु है क्लोरोफिल का, तो उसी प्रकार बस यहाँ पे क्लोरोफिल कर दिया और इस मैग्नीशियम को यहाँ पे कर दिया, क्वेश्चन को इस बार ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन को इस बार क्वेश्चन बना दिया, यही किया था मैंने। तो चलो, ये हो गया इसका राइट आंसर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। अब जो है हम सब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। तो चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 53 नोट करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया गया है वो है आपका कि हरे रंग का पदार्थ, ठीक है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में, ये प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर का क्वेश्चन है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? ठीक है, ये जो है हमें यहाँ पे बतानी है कि हरे रंग का जो पदार्थ होता है पौधों में वो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो निम्न में से क्या है? ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, वो क्या है? तो वो है आपका, देख लो, क्लोरोफिल, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड देन ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये जो है आपको इसका आंसर बताना है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? बताने की कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन है? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है, हरा रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कार्य ही जो है वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करना है, याद रखिएगा इस चीज को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 ये भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, 2019 का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, नोट करना कि पौधे और पेड़, ठीक है, या पेड़, पौधे या पेड़ का खाना तैयार, पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया पौधों या पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया, खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, हमें जो है इसका आंसर देना है कि पौधों या पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन दे रहा हूं, ए नंबर ऑप्शन नोट करोगे, कार्बो, कार्बो हाइड्रो, बहुत लंबा लंबा ऑप्शन दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस, कार्बो हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका फोटोसिंथेसिस, फोटो सिंथेसिस, सिंथेसिस
सिस फोटोसिंथेसिस, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी वो दिया हुआ है फोटो फोटोसेंसिटाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो है आपका मेटाबोलिक सिंथेसिस। क्या कहते हैं ये जो है आपको यहाँ पे बताना है, मेटाबॉलिक सिंथेसिस। इसका जो है आपको राइट आंसर देना है कि पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको बताना है कि पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये जो यहाँ पे बताना है कार्बोहाइड्रोलाइसिस या फिर फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर मेटाबॉलिक सिंथेसिस। इसका जो यहाँ पे राइट आंसर बताना है तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए सबको, कार्बोहाइड्रोलाइसिस या फिर फोटोसिंथेसिस या फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर मेटाबॉलिक सिंथेसिस। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है पौधों या पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 54 कवर हो गया। नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब जो है देख लो क्वेश्चन नंबर 55। चलो तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने हटा दिया है, अब नोट करिए क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है पौधे, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है आपका 2017 का है ये। तो पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। बताना है कि जो पौधे हैं वो भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका कवक। एंड देन ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सूर्य, ठीक है। इसका जो है आंसर बताना है कि पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या फिर सूर्य। किससे जो है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या फिर सूर्य। इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या फिर सूर्य। तो देखो इसका राइट आंसर है सूर्य। पौधे जो है भोजन प्राप्त करने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश
कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? ठीक है, हमें बताना है कि निम्न में से प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। ऑप्शन दे दे रहा हूं, ए नंबर ऑप्शन है नीला, ऑप्शन नंबर बी है आपका हरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका सूर्य का प्रकाश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका लाल। ठीक है, इसका जो है आपको राइट आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जो है वो सबसे कम प्रभावी होता है, नीला, हरा, सूर्य का प्रकाश या फिर लाल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो है सबसे कम कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है, ये जो यहाँ पे बतानी है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है, नीला, हरा, सूर्य का प्रकाश या फिर दिया हुआ है आपका लाल। कौन सा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो चलो मैं अब इसका आंसर दे दे रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण में जो सबसे कम प्रभावी होने वाला प्रकाश है वो होता है हरा। ठीक है, चलो यहां पे नोट कर लिया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 56 कंप्लीट हो चुका है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए तो इसे जो है यहां से मैंने हटा दिया है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 जो दिया गया है वो नोट करो आप सब, कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, ये जो हमें बताना है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लाल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नीला, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हरा, एंड आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बैंगनी। इसमें जो आपको राइट आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यहां पर जो है आपको इसका राइट आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है, ये जो आपको बताना है। तो बताने की कोशिश करो कि प्रकाश संश्लेषण में जो है सबसे अधिक कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है। ठीक है, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है, ये जो है यहाँ पे बतानी है कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें सबसे अधिक कौन सा प्रकाश प्रभावी होता है। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावी होने वाला प्रकाश है लाल। ठीक है, लाल प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभाव करता है। सबसे अधिक प्रभावी कौन सा प्रकाश है, तो वो है आपका लाल। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण, ये प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, 2020 का पेपर है ये, और ये आपका 2020 के पेपर में ये जीडी का पेपर है। ठीक है, जीडी में ये पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किसमें होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किसमें होता है, ये हमें बतानी है। प्रकाश संश्लेषण निम्न में से किसमें होता है, ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर बी है आपका परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम
ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड देन ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो निम्न में से किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो निम्न में से किसमें होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो निम्न में से किसमें होता है, न्यूक्लियस, पर ऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। बताने का कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो निम्न में से किसमें होता है, न्यूक्लियस, पर ऑक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। चलो तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण जो है वो होता है माइटो, और वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसमें होता है, तो वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां तक नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 58 जो है कवर हो गया। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो इसे यहां से इरेज कर रहा हूं और अब जो है हम सब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, तो इसे जो है यहां से हटा दिया है और अब जो है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये। ये आपका पेपर है नर्सिंग असिस्टेंट 2020 फरवरी का। ठीक है, बताना है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ठीक है, ये जो बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है। ऑप्शन नंबर ए रात्रि में, ऑप्शन नंबर बी दिन और रात्रि में, ठीक है, एंड देन ऑप्शन नंबर सी है आपका कि दिन या रात्रि में, एंड देन ऑप्शन नंबर डी है आपका कि दिन में। ठीक है, इसका जो आपको आंसर बताना है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन या रात्रि में, या फिर दिन में। आपको बताने कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन या रात्रि में, या फिर दिन में। इसका जो हमें यहाँ पे राइट आंसर देना है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो आखिर होता कब है। इसका जो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है, रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन या रात्रि में, या फिर ओनली दिन में। यहाँ पर जो इसका हमें आंसर देना है, तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बताइए आप सब क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो है दिन में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल और केवल दिन में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो केवल और केवल दिन में होता है। अब जो है देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 वो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ठीक है, हमें इसका आंसर देना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ए नंबर ऑप्शन O2, बी नंबर ऑप्शन है CO, सी नंबर ऑप्शन है N2, डी नंबर ऑप्शन है CO2। इसका जो आंसर है बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे आंसर देना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। ठीक है, इसका आंसर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस आवश्यक होती है। ठीक है, बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कौन सी गैस रिक्वायर्ड है।
कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो चलिए अब इसका आंसर देख लेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। चलो यहां तक हो गया। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। इसका आंसर जो है आप सबको सेंड करना है, लाइव चैट में कोई भी मत बताइएगा, ये प्रीमियर एंड होते ही आपको जो है कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, तो क्वेश्चन नंबर 61 जो दिया हुआ है आपको वो ये दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, निकलने वाली गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कौन सी गैस निकलती है? ए H2, बी CO2, CO2 या फिर डी N2। इसका जो है आपको आंसर मुझे सेंड करना है कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। इसका जो है आंसर आप सब बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कौन सी गैस निकलती है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आज की क्लास। इसका कमेंट जो है आपको, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो नीचे कमेंट बॉक्स आएगी, ये प्रीमियर एंड होते ही जैसे ही प्रीमियर एंड होगी कमेंट बॉक्स आएगी, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना, रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बुक्स के लिंक्स दे रखे हैं, स्पेशल डिमांड पे नर्सिंग असिस्टेंट के दो लैंग्वेज में मैंने बुक अवेलेबल करवा दिए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में, बेस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो एक बार जाकर उनको खरीद के उनसे अपनी स्टडी जरूर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल तो क्लास नहीं आएगी, क्योंकि मैं जहाँ पे क्लासेस शूट करता हूँ वहाँ पे नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर जा रहा हूँ, तो कल क्लास नहीं आ पाएगी। अब जो है हो सकती है कि नेक्स्ट डे से हमारी क्लास है, मतलब कि कल के बाद जो परसों आएगा उससे क्लास आए, जो भी होगी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।